हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर 9, हाउसेज वी लिव इन। इसका मतलब है कि जिस घर, हाउसेज यानी कि घर, एंड वी लिव इन जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ द एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, रूम 1 और रूम 2 को ऑब्जर्व करके यहाँ पे फिल करना है। इसके लिए आपको हेल्प बॉक्स भी प्रोवाइडेड है। ये देखिए, जैसे कि थिंग्स है, तो इसमें जो थिंग्स है वो स्कैटर्ड है और इसमें राइट प्लेसेस पे रखी गई हैं। फिर ये रूम कैसा, स्टेट ऑफ द रूम, यानी कि ये रूम जो है वो डर्टी है और ये रूम जो है वो नीट एंड क्लीन है। तो ऐसे करके आपको ये फिल करना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर फ्रॉम हियर। सो वी नीड अ हाउस टू लिव इन। A house protect us from the heat, cold, rain, in bad weather, wild animals and thieves. बोल रहे हैं कि हमें रहने के लिए एक घर चाहिए, और जो घर होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, बचा के रखता है धूप से, ठंडी से, बारिश से, ख़राब मौसम से, जंगली जानवरों से और चोरों से। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग अगो पीपल लिव्ड इन केव्स, यानी कि बहुत बहुत समय पहले पीपल जो लोग थे वो केव्स में रहते थे, यानी कि गुफाओं में रहते थे। लेटर दे लर्न टू मेक एक हाउसेस, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद उन्होंने घर बनाना सीखा। तो तब वो घर किससे बनाते थे, ग्रास, वुड एंड स्टोन्स। दे मेड हाउसेस ऑफ ग्रास, वुड एंड स्टोन्स, यानी कि घास से, लकड़ियों से, पत्थरों से, इनसे बनाते थे। डिपेंडिंग अपॉन द मटीरियल यूज इन मेकिंग, वी हैव टू मेन टाइप्स ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउसेस एंड पक्का हाउसेस। यानी कि जो मटेरियल्स, जो सामान यूज़ होता था घर बनाने में, उसके बेसिस पे घर के दो टाइप्स हैं, एक तो कच्चा घर और एक पक्का घर। ठीक है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर्स। ये देखिए, ये कच्चा हाउस है, तो ये आप इमेज देख के ही पता लगता है कि ये किससे बना हुआ है। ये ग्रास से बना है, वुड से, स्ट्रॉ से, स्टिक्स से, बैम्बू से, मड से, इनसे बनेगा। और जो पक्का हाउस है वो सीमेंट से, स्टील से, ये इन सब ब्रिक्स से, इन सब से बनेगा। तो यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, आपको मैच करना है। जैसे कि मड, दैट इज़ फॉर कच्चा हाउस, ब्रिक्स पक्का हाउस, बैम्बो कच्चा हाउस, स्टील पक्का हाउस, सीमेंट पक्का हाउस, स्ट्रॉ कच्चा हाउस, स्टिक्स कच्चा हाउस एंड वुड कच्चा हाउस। ठीक है, फिर है काइंड्स ऑफ हाउसेस, यानी कि अलग अलग प्रकार के घर। पीपल स्टे इन डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। यानी कि जो लोग होते हैं वो अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं, उनके क्लाइमेट, वेदर के अनुसार, वातावरण के अनुसार और उनकी नीड्स, ज़रूरतों के अनुसार। ठीक है, इन बिग टाउन्स, अब बिग टाउन्स में लोग ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं। सिटीज़ में आपने ये बिल्डिंग्स देखी होंगी, इसमें लोग रहते हैं, इसमें बहुत सारे घर्स होते हैं जिन्हें, बहुत सारे हाउसेस होते हैं जिसे फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स बोला जाता है। सो इन बिग टाउन्स पीपल लिव इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और स्काई स्क्रैपर्स। दिस बिल्डिंग्स हैव मैनी हाउसेज एंड दिस हाउसेज आर कॉल्ड फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टेंट। आपने ये टेंट देखे होंगे, बहुत सारे लोग इस टेंट्स में ही रहते हैं। जैसे कि कोई हिली एरियाज में देखा होगा, मतलब कि ये आर्मी वाले को देखा होगा, आर्मी जो आर्मी पर्सन्स होते हैं वो बॉर्डर पे जाते हैं, तब इन टेंट्स पे ही रहते हैं। अ टेंट इज़ मेड ऑफ अ कैनवस, यानी कि थिक क्लोथ। कैनवस यानी कि थिक क्लोथ होता है, ये आप देखिए बहुत मोटा कपड़ा होता है। इट कैन बी ईजिली पुट अप, फोल्डेड एंड कैरिड अलॉन्ग। ये इजीली लगाया जा सकता है, निकाला जा सकता है और खुद के साथ ले जाया जा सकता है, कैरिड अप। फिर है व्हील कारवान। ये देखिए, इसके ये एक व्हील टाइप, मतलब कि कारवान होता है जिसके व्हील लगी होती है, उसके अंदर घर होते हैं, हाउसेस होता है, और ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकता है। अ कारवान इज अ हाउस ऑन व्हील हिल्स, इट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट इज हाउस बोट। हाउस बोट यानी कि बोट और हाउस, यानी कि बोट की तरह हाउस होता है। ये देखिए, बोट की जैसे पानी में ही ये होता है और इसके अंदर रूम्स होते हैं। हाउस बोट इज़ अ फ्लोटिंग हाउस, इट इज़ अ बोट विद रूम्स।
फ्लोटिंग हाउस होता है और उसमें इस बोट के अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं। नेक्स्ट इज इग्लू। इग्लू यानी कि ये स्नो से और आइस से बना होता है और ये ठंडी प्लेसेस पे, वेरी कोल्ड प्लेसेस पे पाया जाता है। एंड इग्लू इज मेड ऑफ आइस एंड स्नो एंड इट इज़ फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। फिर है स्टिल्ट। स्टिल्ट हाउसेस यानी कि इस टाइप का हाउसेस जो बैम्बो की स्टिक्स, वुडन पोल्स पे ऊपर हर खड़ा किया गया हो और ये जहाँ पे हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा मात्रा में रेन बारिश होती है वहाँ पे ये हाउसेस होते हैं। सो स्टिल्ट हाउस इज बिल्ट ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म विच स्टैंड्स ऑन वुडन पोल्स। इट इज बिल्ट इन प्लेसेस विद वेरी हैवी रेनफॉल। फिर अ हाउस इन विच वी लिव विद आवर फैमिली इज कॉल्ड अ होम। वो घर जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उसे एक होम कहते हैं, ठीक है। पीपल हु वर्क टूगेदर टू मेक अ हाउस, जो पीपल साथ में काम करके एक घर बनाते हैं वो कौन कौन होते हैं, देखिए आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का क्या काम है कि वो ड्राइंग बनाता है हाउस की, जो एक स्केच बनाता है हाउस का उसे आर्किटेक्ट बोलते हैं। ही मेक्स ड्राइंग्स ऑफ हाउस टू शो डिफरेंट रूम्स। फिर है मेसन। मेसन वो होता है जो वॉल्स और रूफ बनाए, दीवारें और रूफ छत बनाए, ठीक है। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिशियंस, जो फिट करे वायर स्विचेस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए उसे इलेक्ट्रिशियंस बोलते हैं। फिर है पेंटर, जो हाउस को कलर करे पेंट करे उसे पेंटर बोलते हैं। फिर उसके बाद है कारपेंटर। कारपेंटर वो होता है जो दरवाजे, खिड़कियाँ, कबर्ड्स, शेल्फ्स ये सब बनाते हैं उसे कारपेंटर बोला जाता है, जो डोर्स, विंडो, कबर्ड्स एंड शेल्फ्स बनाते हों। फिर है प्लम्बर, जो नल को, पाइप्स को, टैप्स को फिट करते हैं उसे प्लम्बर बोला जाता है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।